चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी। बदले जा सकते हैं कई जिलों के डीसी और एसडीएम। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के भी तबादले संभव हैं। और सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि तैयार की जा रही है तबादलों की लिस्ट। तबादलों के लिए सीएम की मंजूरी का इंतजार है। तो राजेश खुल्लर की नियुक्ति के बाद ये पहला बड़ा फेरबदल है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मुख्य प्रधान सचिव जो राजेश खुल्लर हैं, जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया था, उसके बाद अब ये दूसरा फेरबदल हम इसे कह सकते हैं। तो कई जिलों के डीसी और एसडीएम बदले जा सकते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले संभव हैं। तैयार की जा रही तबादलों की लिस्ट। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। तबादलों के लिए सीएम की मंजूरी का इंतजार। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी गुलशन जुड़ गए हैं। गुलशन, इस खबर को लेकर क्या है अपडेट? देखिए साधना, हरियाणा में चुनाव से पहले एक बड़े फेरबदल की तैयारी जो है की जा रही है, जो कि प्रशासनिक फेरबदल का जो खाका है वो भी तैयार कर लिया गया है। इसमें कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर समेत काफी संख्या में जो जिले के एसडीएम होते हैं वो भी बदले जा सकते हैं। ये सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जो मुख्यालय स्तर के अधिकारियों में जो विभाग अध्यक्ष के साथ साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी अधिकारियों के भी तबादले यहाँ हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो राजेश खुल्लर की ओर से सीएम मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव की कमान संभालने के बाद ये बड़ा फेरबदल होगा, और इससे अभी तक कोई बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला था। अब मुख्य प्रधान सचिव जो मनोहर लाल के राजेश खुल्लर है, उनकी ओर से जब से कमान संभाली गई है उसके बाद ये पहला फेरबदल होगा, और इसमें अब की बात जो भी तबादले किए जाएंगे, और हो सकता है कि इसके बाद जो यह तैनाती जो है 2024 तक जो है ये चलेगी, क्योंकि चुनाव तक जो है ये सभी जो अधिकारी है वो फिर रहेंगे। और सूत्रों के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि जो तबादलों की लिस्ट है वो तैयार की जा चुकी है, बस इंतजार है केवल ऐलान करने का, और ऐसे में उसे अंतिम रूप देने के लिए केवल अंतिम मोहर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लगनी बाकी है। और जल्द ही हो सकता है कि हरियाणा में चुनाव से पहले एक प्रशासनिक में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। चले गुलशन, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।